सो हे व्हाट्सएप एवरी वन, स्वागत है आपका हमारी क्वार्टर 11 के प्रेडिक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंट वर्सेस समरसेट के T20 मैच के बारे में। T20 ब्लास्ट का बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। गाइस इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे टीम के बारे में, कौन सा प्लेयर कब खेलने आएगा, पूरे आपको सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, ड्रीम 11 की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं और ग्रैंड लीग की पिक्स भी बताने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना, बिकॉज फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप डायरेक्ट जाकर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वहाँ से डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी पॉसिबल 11 सर्च करिएगा तो आपको जो चैनल दिखेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर आ गया हूँ, पॉसिबल 11 सर्च करिए, ये आपको 16,677 सब्सक्राइबर जो चैनल, आपको ये वाला चैनल ज्वाइन करना है। इसमें हम आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर देंगे सारी क्रिकेट की टीम्स की, सारी ड्रीम 11 टीम हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे फाइनल वाले टॉस होने के बाद। तो गाइस टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना। गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में देख लें तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 काफ़ी ऑसम सी लग रही है। कैंट की प्लेइंग 11 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है कंपेयर करते हैं अगर हम सोमरसेट से। सोमरसेट की आपको पता है इनकंसिस्टेंसी टीम रही है, ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है, ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करा इन्होंने इस टूर्नामेंट में। बट कैंट की बात करें, कैंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रही है इस टूर्नामेंट में। अगर हम बात कर लेते हैं कैंट की टीम अपडेट के बारे में, तो गाइस कैंट की जो टीम्स है वो आपको पता है इस टाइम पे सेकंड नंबर पे है अपने ग्रुप में। एंड सेकंड नंबर पे किस वजह से है, क्योंकि इन्होंने 8 में से 6 मैच जीते हैं और सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं। बहुत कंसिस्टेंसी परफॉर्म करके आ रही है कैंट की टीम। अगर हम इनके ओपनिंग पेयर के बारे में बात कर लें, ओपनिंग में आते हैं इनके डैनियल बेल ड्रमंड एंड जैक क्रॉली, दोनों बहुत बढ़िया पिक रहेंगे आज के मैच के लिए। अगर हम बात करें, मेरे से पूछेंगे यहाँ पर ग्रैंड लीग में कौन सी पिक लें, तो हम ग्रैंड लीग में आप प्रेफर करूँगा जैक क्रॉली को अपनी ग्रैंड लीग में लेके जाइएगा, कैप्टन बना के लेके जाइए, आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं आज के मैच में जैक क्रॉली। अगर हम बात करेंगे इनके मिडल ऑर्डर में आते हैं जोई डनली, जैक लीनिंग एंड जॉर्डन कॉक्स, दोनों तीनों अच्छे बैट्समैन हैं। आपको पता है जैक लीनिंग अच्छी फॉर्म में, अच्छे पॉइंट देके जा रहे हैं हर मैच में, तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर रखना है जैक लीनिंग को। अगर हम बात करें तो फिनिशिंग का रोल इनकी तरफ से प्ले करेंगे एलेक्स ब्लेक एंड डैरन स्टीफन्स, दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, दोनों बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं। बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनके लिए बॉलिंग करेंगे कोएस अहमद एंड फ्रेड क्लासन। फ्रेड क्लासन से बहुत उम्मीदें होंगी इस टीम को आज के मैच में। अगर गाइस हम बात कर लें समरसेट की, समरसेट इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही है, आपको पता ही है इस टाइम पे भी वो 5th पोजीशन होल्ड कर रखी है। 7 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीती हैं एंड गाइस 2 मैच हारी है, 2 मैच उनका ड्रॉ रहा है एक तरह से। तो गाइस 8 पॉइंट्स से इस टाइम पे समरसेट के लिए मतलब अच्छे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहेंगे, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। अगर हम गाइस बात कर लें इनके ओपनिंग पेयर के बारे में, ओपनिंग पेयर में इनके आते हैं जेम्स हिल्टरेट एंड टॉम बेंटन हमारे लिए आज की दूसरी ग्रैंड लीग की पिक रहने वाले हैं। आप इनको अपनी ग्रैंड लीग में ज़रूर लेके जाइएगा, कैप्टन बना के बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्होंने सफ़र किया था, बट अब इनकी जो फॉर्म है वो पहले वाली कंसिस्टेंसी पकड़ ली है इन्होंने एंड आपको आज के मैच में अच्छा स्कोर करके दिखाई भी दे सकते हैं। अगर यार क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम है ये। अगर हम गाइस बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में आते हैं डीवन कॉनवे, लिविस कोल्स वर्थी एंड टॉम लेमन बाय। फिनिशर का रोल प्ले करेंगे लिविस ग्रेगरी एंड विल स्मिथ बहुत अच्छी पिक रह सकते हैं आज के मैच के लिए भी। आपको पता है ज़्यादा मैच इन्होंने खेले नहीं है, पर जो मैच खेले अच्छा परफॉर्म करके दिया, एक पावरफुल हिटर का रोल प्ले करा है। अगर हम बात कर लेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे मैक्स बॉलर एंड क्रैग ओवरटन, दोनों ही बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। लास्ट 5 हेड टू हेड मैच के बारे में बात करें तो गाइस लास्ट 5 में कैंट 2 बार जीती है, समरसेट 3 बार जीती है। यहाँ पे समरसेट का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, बट इसके मैच के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कैंट का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, उनकी साइड थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम कंपेयर करते हैं समरसेट की साइड की तरफ से। टॉपिक्स के बारे में बात करें, टॉपिक्स हमारी रहेंगी डैनियल बेल ड्रमंड, आपको पता ही है, जैक क्रॉली, मैंने ग्रैंड लीग की पिक भी आपको बताई है, टॉम बेंटन भी हमारी सेकेंड ग्रैंड लीग की पिक है, एंड लास्ट में आते हैं विल स्मिथ भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। आपको पता ही है ज़्यादा मैच खेले नहीं, पर जिन जोर में मैच खेले उसमें अच्छा परफॉर्म करके दिया है। फास्ट बॉलर्स प्ले मेजर रोल ऑन दिस पिच, गाइस फास्ट बॉलर्स को ट्राई करना लेके जाने के लिए, अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फास्ट बॉलर की तरफ से। की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो की प्लेयर्स रहेंगे जैक क्रॉली, जोई डनली, जैक लीनिंग, एलेक्स ब्लेक्स,
डैरन स्टीवंस, मैट मिलन्स एंड फ्रेड क्लासेन। समरसेट के बारे में बात कर ले तो बेंटॉन, हिल्डरेट, कॉनवे, गोल्सवर्थी, स्मिथ, ग्रेगरी, लैंग एंड डेवे, ये सारे इनके मेन प्लेयर्स रहने वाले हैं आज के मैच के लिए, की प्लेयर तो हैं। अगर हम कहें जब बात कर लें तो पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच रिपोर्ट की मैंने आपको बताया ही था, मतलब ठीक ठाक सी बैटिंग की पिच है, थोड़ी बैटिंग के लिए सपोर्ट करेगी, बट मेन जो है आपको पेस बॉलर्स लेके जाने हैं। पेस बॉलर्स आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। भाई चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। भाई बात कर लेते हैं अपने विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में अपने दो ऑप्शन आते हैं, या तो टॉम बेंटन ले लीजिए, कॉक्स ले लीजिए। मैं से टॉम बेंटन लूँगा क्योंकि टॉम बेंटन ओपनिंग में आते हैं एंड दूसरा कॉक्स बहुत लेट बैटिंग करने आते हैं, तो मैं से टॉम बेंटन के साथ जाना चाहूँगा। बैटिंग डिपार्टमेंट में देख लें, बैटिंग डिपार्टमेंट में अपने पास अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। डीवॉन कॉनवे हो गए, हिल्डरेट हो गए, वेल ड्रमंड हो गए, क्रॉले एंड लीनिंग भी लेना चाहूँगा, बट गाइस इतने बैट्समैन अभी फिलहाल मैं कॉनवे को हटा देता हूँ। ऑलराउंडर में देख लें तो जोई डेनली एंड लिविस क्रेगरी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख लें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के मैच के लिए। यहाँ से मैं डी लैंग लूँगा एंड फ्रेड क्लासेन एंड मिल्स, ये तीनों मैं बॉलर लेना चाहूँगा आप यहाँ से चाहें तो। अब हमारे पास एक प्लेयर की अभी भी जगह बची है, आप यहाँ से एक बॉलर ले सकते हैं बॉलर, पर मैं यहाँ से फिलहाल डीवॉन कॉनवे के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि आज नंबर 3 में बैटिंग करने आते हैं, अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं आज के मैच में अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात कर लें, कैप्टन बनाऊंगा ड्रेमंड को एंड वाइस कैप्टन में बनाना चाहूँगा हिल्डरेट को। फिलहाल के हिसाब से मैं अगर देखो टॉस होने के बाद फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हम टॉम बेंटन को वाइस कैप्टन बना रहे हैं या फिर डीवॉन कॉनवे को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो आपका लॉस ना हो इस वजह से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लेना। मैं फिलहाल मैं भी हिल्डरेट के साथ ही जा रहा हूँ, ये टीम मेरी अभी के लिए फाइनल टीम रहने वाली है, इसी टीम के साथ मैं सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा। आप भी सारे भी इसी टीम के साथ सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर ही देंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।